और एक टीम वो है जो अपनी बेल्ट जो इनकी कभी थी किसी जमाने में पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गया। कैसे भाई, ये दुनिया के पहले लोग हैं जो हारने के बाद ना तैयार होके आ रहे हैं। अरे भाई, अरे भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप? अच्छा, कैसे लग रहा है हार के और यहाँ बैठ के? सर हार के तो बुरा ही लग रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन लेकिन कितनी बार हार हो गई, मैं ये पूछना चाह रहा था। सर किस्मत से हारे हैं, गेम से तो हम बराबर ही रहे थे। लेकिन अगर तुम लोग एक आध गेम जीत जाते तो अकेले खेल रहे होते, गेम चेंजर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल सर, किस्मत से हार गए, लेकिन ये है कि दुख इस बात का नहीं है कि बुरा खेल के हारे हैं, लेकिन अच्छा खेला, अच्छा एफर्ट दिया है लास्ट। हाँ, संभव मुझे ये फील हुआ था कि तुम लोगों ने एलिमिनेटर्स में जो परफॉर्मेंस दी थी वो तुम लोगों की इस सीजन की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो अप टू द मार्क इसलिए नहीं थी इमरान, क्योंकि ये टीम इतनी अच्छी थी यार। और जब इंक्लूजन हुआ था ना इसमें जैन का, तो मुझे लगा था यार ये दो डांसर्स किसी भी दिन डांस पे हारेंगे नहीं अपने तीन पॉइंट्स। फिर इमरान से असल में हमें बहुत सारी उम्मीदें इसलिए वाबस्ता थी क्योंकि इमरान ने इससे पिछले से पिछला वाला सीजन बहुत ही शानदार खेला था, तो हमारे जहन में हमने जो ये टीम बनाई थी हमने कहा था यार ये किलर कॉम्बो होगा। शताज भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई और इस बार इमरान भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। सॉरी करता हूं, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं था कि सर मैं खेलना नहीं चाहता, आउट ऑफ फॉर्म। बहुत सारे बैट्समैन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं लेकिन वो फॉर्म में वापस आ जाते हैं। लेकिन कहीं तुम ये तो कहना नहीं चाह रहे हो कि सर जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें मैं आपको ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा, ऐसा तो नहीं बता रहे हो? दिल की बात तो यही है, यही है जुबान पे, बस दिल की बात पे दिल तक रखना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।